मेरे पुत्र। राम भैया, राम भैया कहाँ हो आप? ना जाने कहाँ होंगे हमारे राम भैया। राम भैया जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे शत्रुघ्न। राम भैया, सारथी आगे बढ़ो। राम, राम क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ये तो पिताश्री की पुकार है, वो हमें ढूंढ रहे हैं। हनुमान शीघ्र ही नीचे चलो। जो आज्ञा प्रभु जी। अनुचित किया हनुमान ने। इस कृत्य के लिए हनुमान को अवश्य दंड मिलना चाहिए। राम भैया को हमसे दूर ले जाने का साहस भी कैसे किया तुमने हनुमान? इसका निर्णय सभा में होगा। राज्यसभा में न्याय होगा उस वानर का, उसे तो भयानक दंड मिलना चाहिए। एक वानर को उसकी पूंछ सबसे अधिक प्रिय होती है। जीजा श्री से कह के उसकी पूंछ काटने का दंड दिलवाऊंगा उसे राज्यसभा में। तुच्छ वानर। प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। अवध राज की चिंता हर कर, सकुशल आए हनुमत रघुवर। राम को पाकर हर्षित है जन, आनंदित है रघुकुल नंदन। हनुमत बन कर संकट मोचन, बस गए राम लला के मन। हर पल रखते राम का ध्यान, जय रघुनंदन जय हनुमान। ये गाथा बाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज मुझे लगता है कि हनुमान के इस कृत्य का परिणाम और भी भयानक हो सकता था। मार्ग में राजकुमार राम पर राक्षसों का आक्रमण हुआ। वो तो ईश्वर की कृपा रही कि राजकुमार के प्राण बच गए। अन्यथा अनर्थ हो जाता। इसीलिए हनुमान को राजकुमार राम के अपहरण का दंड मिलना ही चाहिए। किंतु हमें स्मरण रहना चाहिए कि हनुमान अभी एक अबोध बालक है। क्षमा करें गुरुदेव, परंतु अपराध का दंड तो बालकों को भी दिया जाता है।
जिससे उन्हें सीख मिल सके। और यदि राजकुमार राम को राक्षसों के आक्रमण से क्षति पहुंचे तो भी क्या आप यही कहते हैं? हनुमान के साथ जो हो रहा है वो अनुचित है। हमारे राम के प्राण इसने संकट में डाल दिए, हनुमान को दंड मिलना ही चाहिए। इस कृत्य में हनुमान का उद्देश्य राम को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना नहीं था। यदि राम को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती तो अवश्य ही ये गंभीर अपराध सिद्ध होता, क्योंकि राम राज्य के होने वाले युवराज हैं। अतः इस प्रकरण के विषय में न्याय सभा निर्णय लेगी, किंतु दंड का निर्धारण करते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हनुमान को वैद्यराज ने हमारे संरक्षण में छोड़ा इस आशा से कि हम हनुमान को अपने पुत्रों की भांति ही रखेंगे। वामदेव जी, आप और ये सब अष्ट सचिव अयोध्या के न्याय व्यवस्था के कर्णधार हैं, न्याय विशारद हैं आप सब। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकरण के विषय में आप अपने विचार प्रकट करें। राजन, अपराध यदि गंभीर हो तो अपराधी की आयु या उद्देश्य की अपेक्षा अपराध पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी दृष्टिकोण में हनुमान अपराधी। हम वामदेव जी की बात से सहमत हैं। किंतु किसी भी अपराध के पीछे उसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। हनुमान का उद्देश्य राजकुमार को हानि पहुंचाना नहीं था, और इसका प्रमाण है राजकुमार की सकुशल वापसी। मैं हनुमान को अपहरण का आरोपी नहीं मानता। अपहरण करने वाला अपहृत व्यक्ति को वापस लेकर नहीं आता। मेरी दृष्टि में हनुमान आरोपी नहीं है। मैं भी मान्यवर की बात का समर्थन करता हूँ। मैं यहाँ कुमार युधाजीत की बात को पुनः कहना चाहता हूँ। यदि राक्षसों के आक्रमण से राजकुमार को किसी भी तरह की क्षति पहुँचती तो क्या आप सबका विचार यही होता? हनुमान के इस कृत्य को अपहरण नहीं कह सकते, किंतु अपराध अवश्य हुआ है और अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। हनुमान के साथ जो हो रहा है वो अनुचित है। सभी बालक इस प्रकार की भूल करते हैं जब माता पिता उन पर अपने नियमों के बंधन थोपते हैं। हाँ दीदी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, किंतु प्रश्न राम की सुरक्षा का है। वो राज्य के होने वाले युवराज हैं। पुत्र राम, तुम इस विषय में कुछ कहना चाहते हो? गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो। आयुष्मान भव, राम
कुछ अहित नहीं किया है, ना ही मेरे साथ बल प्रयोग किया है, किंतु ये सत्य है कि हनुमान इस राज्य के नियमों के विरोध गया है। अतः न्यायमंडल एवं आपके विधान के द्वारा ही हनुमान के लिए दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। किंतु मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि संपूर्ण सत्य को जाने बिना किसी भी प्रकार की राय नहीं बनानी चाहिए। जीजा शरीफ, हमारे भांजे राम का हृदय उदार, परंतु इस सत्य को भी ध्यान में रखा जाए कि हनुमान ने माया से अपना आकार बढ़ाकर मंथरा और बाकी सभी बालकों को भी भयभीत कर दिया। किंतु मामा श्री, मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुई थी। हाँ, हमें तो आनंद आ रहा था, भय नहीं लगा। महाराज, यदि ये सत्य है तो हनुमान यहाँ इस राज्यसभा में अपना आकार बढ़ाकर दिखाएं। हनुमान, तुम्हें अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना सीखना होगा, और इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करना जब सच में उनका प्रयोग करना आवश्यक हो। क्या हुआ हनुमान, कोई दुविधा है क्या? महाराज, माँ ने मुझे एक सीख दी थी कि यह कारण अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करूं। ये अकारण नहीं है हनुमान, ये न्याय सभा में उठाया गया एक प्रश्न है। कुमार युद्धजीत, सभा में जिस आरोप पर चर्चा हो रही है उसी पर स्थित रहिए, उसे किसी अन्य दिशा में मोड़ने का यत्न मत कीजिए। जीजा श्री, आप इस राज्य के राजा हैं, आपको अपने न्याय से सबको सीख देनी चाहिए ताकि ऐसा करने का साहस कोई पुनः ना कर सके और ये सबके लिए उदाहरण बन जाए। बिना किसी की अनुमति लिए प्रभु जी को यहाँ से ले जाना अनुचित था। इस अपराध के लिए आप मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। स्वीकार कर लिया मूर्ख वानर, अब तो इसे अवश्य दंड मिलेगा। हनुमान, नियम के अनुसार मैं तुम्हें वही दंड दूंगा जो यदि तुम्हारे स्थान पर मेरा पुत्र होता तो उसे भी देता। नियम तो कहता है कि राजकुमार को इस प्रकार ले जाने का दंड बहुत कठोर होना चाहिए, किंतु अपराध का उद्देश्य एवं हनुमान की आयु को ध्यान में रखकर मैं ये आदेश पारित करता हूं कि मेरे अगले आदेश तक हनुमान का महल में प्रवेश वर्जित होगा। और हनुमान
महल के बाहर अतिथि गृह में निवास करेगा। महाराज, मुझे आपका आदेश स्वीकार है। कोई दंड नहीं हुआ, इसे कठोर दंड मिलना चाहिए था। चलो, अब ये राम से तो दूर रहेगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। राजकुमारों, ये लड्डू आप सबके लिए। जी राम भैया, ये लड्डू आपके लिए। तुम दो शत्रुघ्न, मेरा अभी मन नहीं है। राम भैया, क्या हो गया है आपको? भैया हनुमान को दिए गए दंड के बारे में सोचकर दुखी हैं। किंतु राम भैया, कोई आपको हमसे दूर ले जाए, हमें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक ही रहा जो हनुमान को दंड मिला, अब वो महल में तो नहीं आ पाएगा। लक्ष्मण, मेरी उदासी देखकर हनुमान अपनी माँ के पास लौट कर नहीं गया, और मेरे लिए वो अपनी माँ परिजनों से दूर मेरे साथ यहीं रुक गया। सोचो कितना प्रेम करता होगा वो मुझसे, किंतु दंड मिलने के कारण अब वो मुझसे दूर हो गया है। क्या बीत रही होगी उसके हृदय पर। प्रभु के प्रति मन में अनुराग, दूर हुए कैसा ये भाग्य, भक्ति का है ये कैसा फल, हनुमत होते चिंत विकल, भोले भक्त को कैसे भूले, भक्त के चित्र नयन में झूले, चिंतित हनुमत राम बिना, राम व्यथित हनुमान बिना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप सत्य कह रहे हैं राम भैया। लक्ष्मण, तुम्हारी बात ही हनुमान में मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए मुझसे दूर होने का दुख तुम्हारी तरह हनुमान को भी हो रहा होगा। जो दुख स्वयं को पीड़ा देता है, उस दुख की कामना किसी और के लिए नहीं करनी चाहिए। सखा, प्रभु जी को बिना किसी की अनुमति लिए इतनी दूर ले जाना अनुचित ही था ना? किंतु जो दंड मिला हनुमान को, वो तो बहुत ही बड़ा दंड है। मेरे प्रभु जी, मेरे आराध्य, उनसे दूर कर दिया हनुमान को।
से दूर नहीं, अभी तो उनकी सेवा करने आया हूँ। किंतु इस दंड के पश्चात मैं अपने प्रभु से कैसे मिल पाऊंगा?